मर्सिडीज बेंस E220 DCDI डीजल इंजन 2.0 लीटर का इसके अंदर हमें मिलता है। 2018 मैन्युफैक्चर्ड है, रजिस्टर्ड 2019 है अगस्त मंथ की। इंश्योरेंस हाउएवर एक्सपायर्ड है कार का और गुजरात रजिस्टर्ड है अहमदाबाद सिटी की। इन्वेस्टेड कार है सर, और जो इन्वेस्टर है वो बहुत ही अब रीजनेबल प्राइस मांग रहे हैं इस गाड़ी का, जो कि 42.50 है, विच इज वेरी वेरी रीजनेबल ऑनेस्टली, क्योंकि 2018 है रजिस्टर्ड, 19 है, सिर्फ 3 years and 12 months गाड़ी की एज हुई है। दिल्ली एनसीआर में अगर आपको अप्लाई करनी है तो सर अनदर 6 years बचते हैं। जैसे गुजरात के बहुत सारे कस्टमर्स गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड होते हैं, मर्सिडीज जी क्लास की काफी सारी कॉल्स आती है मेरे पास में, तो आपका सर ट्रांसफर कॉस्ट भी बच जाएगा, री रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बच जाएगा, और आपको लाइफ 11 years की मिल जाएगी इस गाड़ी को। सो 42.50 जो है इसका बहुत ही रीजनेबल प्राइस है सर, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होंगे, मैं आपको पहले बता दूं। ऐसे मुझे पूरी गाड़ी ओरिजिनल पेंट की मिली है, एक आगे का लेफ्ट फेंडर और डोर वो मुझे रिपेंटेड मिला है। अगर आप चाहते हैं सर हम आपको इसकी सर्विस हिस्ट्री फाइंड आउट करके दें, तो हम इसकी पूरी डिटेल सर्विस हिस्ट्री भी आपके लिए निकाल देंगे। आने से पहले अगर आप चाहते हो मोटो फाइंडर्स पे स्कैनर्स लगा के आपको सर गाड़ी चेक करके दे, तो हम वो भी करके दे सकते हैं। अगर आप आ रहे हैं सर कहीं दूर से आ रहे हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आने से पहले प्लीज गाड़ी को बुक कर दें, ताकि मैं गाड़ी आपके लिए होल्ड करके रखूं, क्योंकि आप इतनी दूर से आएंगे कहीं से और फिर पता चला गाड़ी बिक गई तो वो सही बात नहीं है। दिल्ली एनसीआर में अगर आप बेस्ड हैं सर, आप आना चाहते हैं आप आ सकते हैं, लेकिन पूरी वीडियो देखें, और मैं फिर भी यही कहूंगा प्लीज बुक करके आए सर, आपका भी टाइम सेव होगा, मेरा भी टाइम सेव होगा। ये है मर्सिडीज बेंस E220D की दोनों की मिलेंगी इसकी। रिसेंटली इस गाड़ी सर्विस हुई है, बोनट इसका 100% ओरिजिनल पेंट का है, तो किसी तरीके का कोई फ्रंट एक्सीडेंटल होने का मतलब नहीं बनता है। सामने की हेडलाइट्स वगैरह जो है वो सारी इंटैक्ट लग रही है, सामने की ग्रिल और इसके लोगो वगैरह सब कुछ इंटैक्ट लग रहा है सर। मोटो फाइंडर इस तरह से अनबाइज रिव्यू आपको दे, उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रिल वगैरह सब कुछ ठीक लग रहा है, और आगे के जो सेंसर्स हैं वो इंटैक्ट हैं, हेडलाइट वगैरह सब कुछ इंटैक्ट लग रही हैं। तो गाड़ी फ्रंट से तो कभी हिट हुई नहीं है, मैंने बोनट खोलकर भी इसका चेक करा है, और फेंडर जो है मुझे इसका ये रिपेंटेड लगा है, और यहाँ से मुझे थोड़ा सा ये डोर रिपेंटेड लगा है, पूरा भी नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा सा ये रिपेंटेड लगा है मुझे ऑनेस्टली। मैं सर अनबाइज रिव्यूज देता हूँ, और यहाँ पे जो है मुझे हल्का सा डेंट भी मिला है, हल्का सा सूखा डेंट है, बट दैट्स ओके। बाकी गाड़ी ओरिजिनल है, नॉन एक्सीडेंटल है। टायर्स जो हैं इसके अंदर वाकई लग रही है कि गाड़ी 21 या 22,000 किलोमीटर ड्रिवन है, पिरेली के टायर्स हैं। हल्का सा यहाँ पे स्क्रैच मिल रहा है, हल्का सा स्क्रैच वहाँ पे, हल्का सा स्क्रैच वहाँ पे है। डिस्क वगैरह इसके क्लीन है, और ऊपर सस्पेंशन वगैरह सब कुछ हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। ये वाला डोर मैंने आपको बताया, यहाँ से थोड़ा सा रिपेंटेड लगा है, बाकी ओरिजिनल है। ये भी ओरिजिनल है सर, ये फेंडर भी ओरिजिनल है। टायर्स चारों इसके अंदर एक ही प्रोफाइल के मिल रहे हैं, 225/55R17 inches के साथ। अलॉयज पे हल्के हल्के से ये स्क्रैचेस हैं, ये हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं, डिस्क वगैरह क्लीन है। एक बार गाड़ी का साइड प्रोफाइल देखिए, मतलब चॉकलेट ब्राउन कलर है, इतना प्यारा लग रहा है। ये हल्का सा उधर से डेंट यहाँ से दिखाई दे रहा है, वो सर कवर अप करके हम आपको दे सकते हैं, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे फिर हम रियर साइड पर आ जाते हैं, तो पीछे हमें रियर एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं जो कि इंटैक्ट लग रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है। मर्सिडीज का लोगो, E220D क्रोम लाइनिंग एंड दिस डिफॉगर, और ये बड़ी सनरूफ मिलेगी इसके अंदर, पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, तो शार्क फिन एंटीना नहीं है इसके अंदर, डबल सनरूफ हमें इसके अंदर मिल रही है। बूट वूट सब कुछ नीट एंड क्लीन है, ऐसा लग रहा है कि वाकई नाइसली मेंटेन्ड कार है। और गाड़ी के अंदर एक खुशबू है, जो खुशबू आती है उससे पता चलता है कि गाड़ी कस्टमर ने बहुत अच्छे से रखी होगी। अभी इन्वेस्टेड कार है, मैं आपको पहले बता दूं इन्वेस्टेड कार है सर, क्योंकि सच बोल के डील करने में जो मजा आता है मुझे, वो गलत बात करके तो मैंने करी नहीं वैसे कभी। सो दिस इज व्हाट इट इज। अलॉयज जो है ये बिल्कुल साफ लग रहे हैं, डिस्क बिल्कुल साफ लग रहे हैं। ओरिजिनल पेंट है, ओरिजिनल पेंट है सर, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। यहाँ से साइड से प्रोफाइल आपको दिखा देता हूँ, कोई ऐसा स्क्रैचेस नहीं है जो मैं आपको नोटिफाई करूं इसके अंदर। 2018 रजिस्टर्ड, 19 सिंगल ओनर, गुजरात अहमदाबाद सिटी रजिस्टर्ड, ड्रिवन 21,000 किलोमीटर्स, इंश्योरेंस एक्सपायर, टायर्स अप्रॉक्सिमेटली 45-50%, एंड इट्स अ इन्वेस्टेड कार। 42.5 लाख रुपीज इज द डील प्राइस ऑफ दिस कार। अब मैं आपको गाड़ी अंदर से दिखाता हूँ, और उसके साथ साथ आपको गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके बताऊंगा, इंजन की साउंड सुनाऊंगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो यहाँ से पता चलता है कि गाड़ी कितनी नीटली रखी है। देखिए 8-way एडजस्टेबल सीट, सीट्स की भी क्वालिटी देखिए, बिल्कुल साफ आइवरी वाइट कलर होने के बावजूद इतना साफ। ऊपर पैनोरामिक व्यू, देन यहाँ पे ये वुडी फिनिश, ये पूरी एम्बियंट लाइटिंग के साथ आती है, रात में बहुत अमेजिंग लगती है ये चीज़। पूरा का पूरा डैशबोर्ड एम्बियंट लाइटिंग के साथ में, आइवरी वाइट सीट्स मिल रही हैं, पैनोरामिक सनरूफ है, तो 6 स्पीकर्स मिलेंगे इसके अंदर, और हमें यहाँ ट्यूटर्स मिलेंगे। तो ओरिजिनल पीस है सर, इसलिए मैं आपको इसके नट बोल्ट्स नहीं दिखा रहा हूँ, सीट्स दिखा रहा हूँ जहाँ पे आपको बैठना है, नीट एंड क्लीन। ऊपर भी सनरूफ वगैरह बिल्कुल ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, जब आप वीडियो देख ही रहे हो पूरी।
तो ये सब कुछ साफ लग रहा है। अब मैं आपको रियर सीट्स जो है वो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। एसी वेंट्स हमें वहाँ सेंटर में भी मिल रहे हैं, बी पिलर पे भी मिल रहे हैं, और ये जो है हमें इलेक्ट्रिक मिल रहे हैं इसके अंदर। सनशेड्स जो है ऊपर, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है। ड्राइवर साइड से भी आपको गाड़ी दिखा देता हूँ सर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वियर एंड टियर इस साइड पर होता है। ये सब कुछ क्लीन है। ये वाली करके हम लेफ्ट की आगे पीछे कर सकते हैं, सीट हो रही है बराबर। एक एक चीज़ चेक करना हमारा फ़र्ज़ है। ये वाले भी एट वेट जो है एडजस्टेबल वर्किंग कंडीशन में है। थाई सपोर्ट भी अभी इसके अंदर मिल रहा है। मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील हमें इसके अंदर मिलेगा। उधर जो है जॉयस्टिक वगैरह है, एंड देन सामने मीटर कंसोल मिलेगा। अब मैं गाड़ी की आपको इंजन के साउंड सुनाता हूँ, और उसके बाद में हम इसकी सर पूरी टेस्ट ड्राइव लेंगे। अगर आप इसके अलावा कोई और ई क्लास देख रहे हो सर, और आप चाहते हो कि हम आपके इंस्पेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करें जहाँ पे आपने गाड़ी देखी है, तो हम वो जाकर भी कर सकते हैं पेड बेसिस पे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोनट बताया, बोनट इसका इंटैक्ट है, बोनट के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साफ है। तो इंजन की साउंड सुनाता हूँ आपको, एक बार इंजन की साउंड आप सुन लीजिएगा। चलते हैं सर मर्सिडीज बेंज E220D CDI की टेस्ट ड्राइव पे। गुजरात रजिस्टर्ड, 18 रजिस्टर्ड, 19 सिंगल, 21,000 किलोमीटर ड्रिवन, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, बॉडी लाइन से नीट एंड क्लीन, 100% नॉन एक्सीडेंटल, टू थिंग्स रीपेंटेड व्हिच आई मेंशन इन द वीडियो, दैट डोर स्लाइटली यहाँ से एंड दैट फेंडर। बाकी हम इसकी सर्विस हिस्ट्री भी आपको निकाल के दे देंगे अगर आप पेड बेसिस पे लेना चाहेंगे तो। यहाँ पे हमें जो है सेंसर से सपोर्ट मिल रहा है अगर कुछ सामने ऑब्जेक्ट आ रहा है तो, और सामने हमें नेविगेशन मिल रहा है। किसी तरह का कोई एरर्स शो नहीं कर रही है गाड़ी, जो कि इसको करने भी नहीं चाहिए क्योंकि ड्रिवन कम है। ये मल्टी फंक्शनल स्टेयरिंग व्हील सब कुछ वर्किंग कंडीशन में है। टिल्टेड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है। सनरूफ खोल के देख लेते हैं, सनरूफ जो है सनरूफ स्मूथली इसका ओपन हो रहा है एंड स्मूथली क्लोज हो रहा है। यस, चारों फॉरवर्ड डोर्स प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है। देन हम इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स जो है वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है, ऑल सेट टू गो। और अब हम इसको जो है जाके एक स्कैनर लगा के भी एक बारी चेक कर सकते हैं अगर आप पेड बेसिस पे बुलवाना चाहें तो, क्योंकि सर दूसरी गाड़ी की वीडियो वेट कर रही है, वो बनाने के लिए जाना है और स्कैनिंग में टाइम लगता है, 1.5 घंटा लगता है, तो मेरी और वीडियो मिस हो जाएगी। अगर आप कोई भी गाड़ी स्कैन कराना चाहते हो सर मोटो हंडा से, तो हम स्कैन करके दे देंगे। दिल्ली NCR में तो अभी हम आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं सर्विसेज। सो एक्सलोरेट कर रहे हैं सर गाड़ी, किसी तरह की कोई वाइब्रेशन नहीं है, सटीक चाल है गाड़ी की जैसी होनी चाहिए। और म्यूजिक सिस्टम भी सुन लेते हैं एक बारी, ये सिस्टम वर्किंग कंडीशन में है ऑफकोर्स। नेविगेशन वगैरह सब कुछ है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, ड्यूल जोन AC है, पीछे एक और टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट सीट हम ऑपरेट कर सकते हैं, सारे फीचर्स मिल रहे हैं हमें इसके अंदर। ऑफकोर्स मर्सिडीज बेंज है भाई, और नई गाड़ी तो शायद 85 या 90 लाख रुपीज़ की पहुँच गई है। सो 42.5 लाख रुपीज़ में अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो सर इसको इमीडिएटली बुक करें, उसके बाद आप काइंडली आएँ और इसको गाड़ी को देखें। तो ट्रांसमिशन ओके है सर इसका, AC बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, साउंडलेस कार है, म्यूजिक सिस्टम अच्छी वर्किंग कंडीशन में, सीट स्वीट्स ऑटो एडजस्टेबल सब कुछ वर्किंग कंडीशन में, 21,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। और मैं तो कहता हूँ सर जब आप इतनी महंगी गाड़ी लो तो उसको एक बार स्कैन भी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह वर्किंग कंडीशन में, और सर्विस हिस्ट्री निकालो, पूरा गो थ्रू करके सर गाड़ी लो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कोई भी गाड़ी खरीद रहे हो, आप उसको चाहते हो हम आपके लिए स्कैन करें, उसको पूरा गो थ्रू करें, तो हम वो भी कर सकते हैं सर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। गाड़ी चलने में ओके है, 21,000 किलोमीटर ड्रिवन है, मैं ज़्यादा टेस्ट ड्राइव नहीं लूँगा, और मुझे गाड़ी का सेल्फ मार्के ही समझ आ गया है कि गाड़ी ओके है सर। और हम हिस्ट्री भी निकालेंगे इसकी, तो ज़्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बॉडी लाइन से गाड़ी अच्छी लगी, इंटीरियर्स गाड़ी के अच्छे लगे, सेल्फ मार्के गाड़ी समझ आ जाती है, जिसको लेनी है उसको इतनी तीन चीज़ों में समझ आ जाती है गाड़ी। लेकिन फिर भी इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम किसी चीज़ के ऊपर, तो उसकी हिस्ट्री जानना हमारी जिम्मेदारी है, हिस्ट्री जाने उसकी, स्कैनिंग कराना चाहते हैं स्कैनिंग भी कराएं उसकी। और मोटो फाइंडर इस तरह की आपके लिए अनबायस वीडियोज लेकर आते रहे, आपके लिए 360 डिग्री सर्विसेज लेकर आते रहे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सर्विस के लिए, हमें प्लीज हमारी फैमिली को बड़ा करें, अपनी फैमिली को बड़ा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वसीम खान 1107 इंस्टा पे पेज है सर, उसको फॉलो करें, और जो भी आपका फ्रेंड कार बाय कर रहा है खरीद रहा है उसको हमारी वीडियोस फॉरवर्ड करें। अगर आप अपने पैशन को कंटिन्यू करना चाहते हो तो सर आप हमारा कोर्स भी कर सकते हो। सारी चीज़ें हम जो 17-18 साल लगाए हैं ना इस इंडस्ट्री में, और वो 17-18 सालों का आपको ज्ञान निकाल निकाल के दे रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।